हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू vibrantvarsha.com। मैं हूँ वर्षा एंथनी और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ 150 कैलोरीज की ही है। यू कैन से लेस देन 150 कैलोरीज। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हो, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आप इसे लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर, जो आपका लाइट ऑप्शन रहेगा, उसमें आप ले सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और ये रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं राइस पफ से। राइस पफ इज लो इन कैलोरीज। ऐसे तो हमेशा राइस नहीं खाना है यही कहा जाता है, बट राइस को जब आप पफ करते हो तो उसकी कैलोरीज काफी कम होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ राइस पफ, यानी कि मुरमुरा या इसे कुरमुरा या अलग अलग रीजन में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 25 ग्राम्स मुरमुरा, या आप इसे कह सकते हो इंग्लिश में इट इज राइस पफ। इसकी कैलोरीज हार्डली 100 है। 10 to 15 मैंने यहाँ पे लिया है रोस्टेड मखाने, कंप्लीटली ऑप्शनल है बट टेस्ट में अच्छा लगता है। इसमें ऐड करने जा रही हूं मैं रोस्टेड चना एंड थोड़े से 7 से 8 मैंने लिया है रोस्टेड पीनट्स, बारीक कटा हुआ टोमेटो, बारीक कटा हुआ, मैंने यहां पे गवा यूज किया है, आप रॉ मैंगो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बारीक कटा हुआ ऑनियन। इसमें मैं ऐड कर रही हूं ग्रीन चटनी, ये मैंने बनाई है पुदीना, मिंट एंड ग्रीन चिली से। कितना कम तीखा ज्यादा आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप ऐड कीजिए। थोड़ी सी रेड चटनी, ये बनाई है मैंने रेड चिली से। अगर आप चटपटा पसंद करते हो तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज्यादा आपके हिसाब से रखिए। सॉल्ट स्वाद अनुसार। सारे इंग्रेडिएंट हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये 1% के लिए मोर देन इनफ होगा, और ये अगर आप कैलोरीज इसके काउंट करोगे तो ये हार्डली 150 टू 160 कैलोरी ही आप बोल सकते हो। इतना अच्छा और बढ़िया ऑप्शन है इतनी कम कैलोरीज में, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसे हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से एंड बस एंजॉय कीजिए। अब आपकी क्रिएटिविटी यूज कीजिए। अगर आप इसमें कुकुम्बर डालना चाहते हो, कैरेट डालना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। आप इसमें बीटरूट डाल सकते हो या आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हो। तो आप आपकी क्रिएटिविटी यूज कीजिए और इसे और टेस्टी बनाइए। कैसी लगी है आपको रेसिपी, मुझे आपकी रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।